संभालोगी तो मैं कमा के लाऊंगा, तो चलो तुमने घर संभालना तो घर की सारी चीजें सीखो। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? नहीं आता, तुम मम्मी से सीखो, समझ में आ रहा है? और बाकी चीजें सीखो घर वालों से, क्योंकि आगे जाके तुम्हें शादी करनी है। लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो अपनी जिंदगी बनाए और लड़की उसमें उसका साथ दे, बार बार परेशान ना करे, साथ दे। क्योंकि जिंदगी में अगर आगे शादी करनी है तो भैया पैसा भी उतना इंपॉर्टेंट हो। लड़के को अब मालूम पड़ गया कि मेरी जीवन संगनी है, नाउ आई हैव टू फोकस ऑन मनी, पैसा कमाने के बारे में सोचना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए इन दैट केस आप दोनों चीजें मैनेज कर सकते हो अगर आप अंडरस्टैंडेबल हो तो। अगर लड़का लड़की की बात समझता है और लड़की लड़के की बात समझती है तो बेटर है कि आप एक दूसरे से बात करो, फ्यूचर प्लान करो, अपने एक दूसरे के रोल डिफाइन करो कि भैया तेरा ये रोल है, मेरा ये रोल है, शादी अपन करेंगे लेकिन अपन को यहाँ तक पहुंचना है, उसके बाद अपन शादी करेंगे। कच्चे पक्के होके शादी मत करना, चल भाग चलते हैं शादी करते हैं, पता लगे पैसे है नहीं, सर्वाइव कैसे करोगे, घर वाले तैयार नहीं है, पैसे है नहीं, सर्वाइव करने के लिए कुछ है नहीं, बाद में पता लगा कि बात बहुत बुरी होती है, मतलब उसके बाद मत पूछो। नहीं, बाकी देखो पता क्या होता है, कौन चीज है कि ना, जब कोई जिंदगी में आता है ना, वो अपनी किस्मत लिखवा के लेके आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा होता है ना, जब आपने कभी गौर किया होगा कि आपके घर पे कोई बच्चा पैदा होता है तो कई बार सोचते हैं यार बच्चा कैसे पैदा करें, पैसे ही नहीं है, उसको रख रखाव कैसे करेंगे। तो हर कोई अपनी किस्मत लिखवा के लेके आता है, ठीक है, ऊपर वाला लिख के देता है। ऐसे ही ना आप जो आप किसी से प्यार करते हो तो वो आपकी जिंदगी में अपनी किस्मत लिखवा के लेके आता है, जैसे आपके चांद सितारे जो है ना वो